प्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने स्वर औ सीखा था, है ना? आज हम एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे, औ की कहानी, ठीक है? एक लड़का था जिसका नाम था अंकित। बहुत बदमाश था वो, बहुत मस्ती करता था। और एक दिन अंकित अपने बाग में खेल रहा था। बाग यानी क्या होता है आपको पता है? बाग यानी गार्डन। वो अपने बाग में खेल रहा था और बाग में ही माली जो बाग की रखवाली करता है, देखभाल करता है, उसने कुछ औजार वहाँ पर रख छोड़े थे और वो कटाई कर रहा था। वहाँ के जो प्लांट्स और ट्रीज है उसकी छटाई और कटाई कर रहा था, मतलब उसको आकार दे रहा था, उसको उसको आकार दे के सुंदर बना रहा था। और अंकित वहाँ पहुँचा दौड़ते दौड़ते, उसने वो औजार उठा लिया हाथ में, औ से औजार हाथ में उठाया और खेल लगा खेलने उसके साथ। खेलते खेलते क्या हुआ, उसके हाथ में उस औजार से, क्योंकि वो नोकीला था, उसको लग गया, उसके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। अब अंकित लगा रोने, उसको तो बहुत ज़ोर से लग गई तो वो बहुत रोने लगा। फिर उसकी आवाज़ उसकी मम्मी को सुनाई दी। उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी और उसको अंकित की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो अंकित की मम्मी जो एक औरत थी, औ से औरत, जो एक औरत थी, वो किचन की खिड़की से उसने देखा कि अंकित को सचमुच बहुत लग गई थी हाथ में। वो दौड़कर बाहर पहुंची और उसने अंकित को उठाकर अंदर लाया और एक औषधि की डिब्बी निकाली। क्या निकाली? औषधि की डिब्बी, औ से औषधि, औषधि की एक डिब्बी निकाली और उसमें से दवाई निकाल कर अंकित को, पहले तो उसको अच्छे से साफ करके जख्म को, और वहाँ पर उसने दवाई लगाई, औषधि लगाई, औषधि लगा के उसको पट्टी बांधा अच्छे से। अब अंकित समझ गया था कि औजार से, औ से औजार, औजार से कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी उससे लग सकता है। और ये सबक अंकित को मिल गया था। अब उसने कान पकड़ लिया कि वो अब कभी औजार से नहीं खेलेगा और मम्मी से प्रॉमिस किया कि मम्मी, अब मैं कभी भी औजार से नहीं खेलूंगा। ये तो खेलने की चीज़ नहीं है ना बच्चों की, इससे कभी नहीं खेलना चाहिए बच्चों, नहीं तो आपको भी लग सकता है। इसलिए फिर अंकित को अंकित ने दवा लगाया और पट्टी जब बंद गई, अंकित को आराम मिल गया। अब अंकित का रोना भी बंद हो गया था और वो बैठ गया, मम्मी के गोदी में सो गया, अपनी मम्मी के गोदी में सो गया। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? इससे आपको ये भी सीख मिली होगी कि औजार से कभी नहीं छेड़खानी करनी चाहिए, कभी भी उसको छूना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लग सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखें कि औ कैसे लिखा जाता है। ये नीली रेखा से पहले हम आधा गोल, एक और आधा गोल, सोती रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, और ये जो दूसरी रेखा है ना खड़ी वाली, यहाँ से हम एक स्लैंटिंग लाइन, ऐसे तिरछी रेखा बनाएंगे, दो, एक और दो, औ, ये बन गया आपका औ। ठीक है बच्चों, आधा गोल, एक और आधा गोल, सोती रेखा, खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, और ये वाली दूसरी वाली खड़ी रेखा से हम ये दो मात्राएं बनाएंगे ऐसे, औ। ध्यान से देखिए बच्चों, आधी रेखा,
एक और आधी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, और यहाँ पर आप औ, ये दो मात्राएं आपको लगाना है ऊपर, एक और ये दो, यहाँ से ये दूसरे वाले ये जो दूसरी वाली खड़ी रेखा है यहाँ से आपको शुरू करना है और दो मात्राएं लगानी है। ये हो गया आपका औ, 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 औ। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए।